What's going on? Listen, India, what is going on, bruv? Bro, there's this thing going on that India is being banned from competing. Like, what is going on here, bruv? You telling me you're bringing politics to games? I don't know the whole situation, but shout out to this guy. This is his channel. It's called AKG. I'll put the link down in the description. I try to, some of these videos, you know, people that live in India that make YouTube videos, they speak Hindi. And I really don't know what they're saying. So this is the only guy so far I find that actually speak Hindi, but he has like English translate, you know, in his channel. So shout out to him. But let's get to the video, man. I need to understand the situation. Why are they banned, fam? Why? India, why? Oh, calm down. Oh, hashtag save Indian football. Hashtag save Indian football. अभी कुछ दिन पहले इंडियन फुटबॉल अपनी ऊंचाइयों को छू रहा था। हमने एक ही महीने के अंदर दो इंटरनेशनल कप्स जीते, जहां पे हमने बहुत बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। खासकर सैफ के चैंपियनशिप के बारे में बात कर लूं, वी हैव लिसन गाइस, आई डिड वॉच द SAF कप। गो अहेड गाइस, गो चेक इट आउट इफ यू हैवंट सीन इट। द फाइनल वाज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। विजिट कुवैत, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय नेशनल टीम जो है वो कुवैत जैसी टीम को नहीं हरा पाएगी, क्योंकि अगर हम 2010 कुवैत के खिलाफ का मैच देखें तो हम बुरी तरीके से जो है वो हारे थे। और उस मैच को मद्देनजर रखते हुए ये जरूर लग रहा था कि जब 2023 में ये मुकाबला होगा कुवैत के खिलाफ, तो क्या इंडियन टीम विजयी होगी कि नहीं होगी फाइनल में वो भी। लेकिन जो किसी को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की, वो जो है वो कारनामा इंडियन फुटबॉल की टीम ने करके दिखाया, और वो जो है वो विजयी रही। सैफ जो है वो चैंपियनशिप उन लोग जीत गए। रिसेंटली अगर मैं बात कर लूँ तो हमारा इंडियन फुटबॉल जो है वो ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे फैंस ग्रो कर रहे हैं। जैसे सैफ चैंपियनशिप जीता गया था, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे जो है देखा कि भाई कितने सारे मेरे दोस्त यार ये वो लंद पंत, बहुत सारे लोग जो है वो खुशी उल्लास मना रहे थे। सभी जो है वो अपने अपने सोशल मीडिया में जो है वो इंडियन फुटबॉल की स्टोरीज पोस्ट कर रहे थे, जिससे समझ में आया कि जी हाँ, इंडियन फुटबॉल का जो है वो सपोर्ट है इंडिया में। नहीं तो मुझे याद है एक समय सर सुनील छेत्री, जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान हैं, वो सोशल मीडिया में आ करके गुहार लगा रहे थे फैंस से कि हमारे मैचेस देख लिया करो, आपको राइट है हमको गाली देने का, हमको चिल्लाने का, हमारे ऊपर शाउट करने का, लेकिन आप हमारे मैचेस तो देखने आओ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि विराट कोहली अगर भारतीय नेशनल टीम के जो है वो कप्तान रहते उस वक्त, वो ये गुहार लगाते हुए क्या आप कभी अपने सपनों में भी सोच सकते हैं कि आज के दिन में रोहित शर्मा जो है वो सोशल मीडिया में आकर के ऐसा गुहार लगा रहा होगा कि भाई हमारा मैच देखने आ जाया करो यार। ये ना अगर भारतीय नेशनल टीम आज की डेट में स्कॉटलैंड भी आती है क्रिकेट खेलने भारतीय नेशनल टीम के साथ, क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो हमारे फैंस जाकर के क्रिकेट देखने पहुँच जाएंगे, वो चाहे वो मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पे इनको विराट कोहली देखने को मिलेगा, वहाँ पे इनको रोहित शर्मा देखने को मिलेगा, वहाँ पे इनको ऋषभ पंत देखने को मिलेगा, वहाँ पे इनको बहुत बड़े जो है वो भारतीय क्रिकेटिंग स्टार्स देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स को प्रोवाइड करवाई है कि वो अपने आप को विराट कोहली रोहित शर्मा के दर पर देख पाए, कि वो उनको देखने के लिए कोई जो है वो बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा? आज की डेट में अगर विराट कोहली बहुत बड़ा अगर सुपरस्टार है तो उसके पीछे जो है वो भारतीय गवर्नमेंट की और भारतीय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की ये आप कह सकते हैं सफलता थी कि भाई उन्होंने क्रिकेट को उस आसमान तक पहुँचाया कि आज के दिन में विराट कोहली इतना बड़ा। Listen, bro, India, you guys are, you guys gotta understand, trust me, India, I trust, the people that are watching this video that are Indian football fans, I feel your pain, because here in America, you know, they like American football and basketball and baseball, you know, that's their top sports. They don't really advertise football here like that. So I feel your pain a little bit, you know what I'm saying? But you gotta understand, bro. India, with the population you guys have, bro, cricket is huge, football is also huge. Why not trying to grow it in the country? Like, what's going on, bro? What's going on? Bro, football, I ain't gonna lie to you, man. My personal opinion, football is better than cricket, bro. Cricket is so confusing, fam. I don't know what the hell is going on, bro. People are just hitting, running. I don't know what they're doing, bro. Come on, India, what are you guys doing? जो है वो सुपरस्टार है, लेकिन इंडियन फुटबॉल टीम के साथ तो वो हमको देखने को नहीं मिलता है।
जो बंदे इंडियन फुटबॉल टीम की खुशियां मना रहे थे सोशल मीडिया में अपने स्टोरीज वगैरह में डाल करके, वो बंदे चार प्लेयर का भी नाम नहीं बता पाएंगे इंडियन फुटबॉल टीम का। तो ये हश्र कैसे हुआ है, इसकी गलती किसकी है? खैर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बात ये है ना कि पहले चलिए ठीक है ये माना जा सकता था कि इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो ठीक है आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आपने जो है वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधारा, आपने जो है वो सहूलियत मुहैया नहीं करवाई। लेकिन जब आज के दिन में हम एक महीने के अंदर दो बड़े जो है वो चैंपियनशिप जीत जाते हैं, तब भी भारतीय नेशनल टीम को एशियन कप में जाने से क्यों रोका जा रहा है? I don't know why I am upset on behalf of you guys. You know what I'm saying? Like I'm upset for you. Bro, they just came from winning two major trophies. Why would you not want to test them, go to the Asian Games against the big boys now? But isn't this the best time to do it when the hype is up? Why would you not want to send them? Am I missing something? What? Fam, that's crazy. अभी आने वाले महीने में एशियन गेम्स होने वाला है, जहाँ पे भारतीय के कई सारे जो हैं वो टीम जाने वाले हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। क्रिकेट वाले भी जाएंगे और भी कई सारे जो है वो स्पोर्ट्स वाले जाएंगे, टेनिस वाले हो सकता है जाएं। That's not right. So you're telling me the cricket team is gonna go, but the Indian football team is not gonna go? What are you afraid of? Well, maybe they're scared that the football might overtake cricket. In India. I'm just saying. I mean, it'll make sense. Why would you be scared? What? क्लर्स जाए, बॉक्सर्स जाए और जितने भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्पोर्ट्स जो है वो भारतीय नेशनल टीम जिसमें भी जो है वो पार्ट लेती है, वो हर एक आपको जो है वो स्पोर्ट देखने को मिलेगा एशियन गेम्स में। लेकिन एक स्पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो स्पोर्ट एक महीने में दो ट्रॉफी जीता है वो स्पोर्ट फुटबॉल आपको जो है वो भारतीय टीम नहीं देखते हुए नजर आएगी। क्यों? जब आप ये जानेंगे ना तो आपका भाई आप दंग रह जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब इंडियन नेशनल टीम एक महीने में दो जो है वो चैंपियनशिप जीत सकती है, तो फिर आपने उनको एशियन गेम्स में जो है वो भाग लेने से कैसे रोक लिया? ये आपके मन में सवाल आएगा। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना ये है कि अगर भारतीय नेशनल टीम जो है वो टॉप 8 रैंक में आती है, एशियन जो है वो जितने भी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं एशियन गेम्स में, वो चाहे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, चाइना हो गया, जितने भी एशिया के जो है वो कॉन्टिनेंट में टीम्स आती हैं, उन टीम्स में अगर भारतीय नेशनल टीम जो है वो टॉप 8 की रैंकिंग में आती तो हम अलाउ करते हैं इनको जाने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉप 8 में जो है वो इंडियन फुटबॉल टीम नहीं आ पा रही है, इसलिए हम जो है वो इनको जाने के लिए ही नहीं अलाउ करेंगे, हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे फुटबॉल में। What? So they have to be in the top 8 in order for them to what? To join? So oh my lord, that is so dumb. Why are you giving these restrictions on if that became? Oh my god, I can't even speak, man. That's how dumb it is, bro. Let me calm down, fam. It's not, at first I thought they were unqualified, but they are qualified, but the minister or the government doesn't want to send them. What? अरे तो मेरा सवाल स्पोर्ट मिनिस्ट्री से इतना है कि आज के दिन में अगर भारतीय नेशनल टीम टॉप 8 रैंक में नहीं आ पा रही है तो इसमें गलती किसकी है? क्या ये गलती उन प्लेयर्स की है जिन्होंने अपना बचपन जो है वो पूरा लगा दिया है? क्या ये गलती जो है वो भाई उस कोच की है जिसने अपना खून पसीना एक करके जो है वो टीम को एक महीने में दो ट्रॉफीज जितवाई है? या फिर ये गलती स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की है जिन्होंने जो है वो ध्यान नहीं दिया है इस स्पोर्ट में कि इस स्पोर्ट का ग्रोथ इतना हो पाए कि हम एशिया के टॉप 8 टीम में आ पाए? आपको शर्म आ जाएगा ये सुन करके कि हमसे छोटे देश भूटान, बांग्लादेश, नेपाल सब एशियन गेम्स में जो है वो फुटबॉल खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये भारतीय नेशनल टीम जो अभी कुवैत को हरा करके आई है उसको जो है वो पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा है, ये कह करके कि आप टॉप 8 टीम में नहीं आ पाते हैं तो हम आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अरे आप टॉप 8 आने का मौका तो दे के दीजिए हमारे लड़कों को, जब वो एक महीने में दो ट्रॉफी जीत सकते तो वो टॉप 8 कैसे नहीं आएंगे?
टॉप एट आप आने का मौका दीजिएगा, वो खेलने का मौका दीजिएगा, तो वो टॉप एट पहुंच पाएंगे। आपने मौका ही नहीं दिया तो हम कैसे टॉप एट पहुंच पाएंगे। अगर हम आज की डेट में टॉप एट में नहीं हैं तो आप गेम ही मत खिलवाइए हमको, ताकि हम आने वाले 10 साल तक टॉप एट नहीं पहुंच पाएं। आप गेम खिलवाइएगा तब तो टॉप एट में पहुंचेंगे जी, नहीं खिलवाएंगे तो कैसे होगा। ये क्या बात होती है कि आज के दिन में आप टॉप एट में नहीं आते हैं तो हम आपको गेम खेलने ही नहीं देंगे। अरे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया नहीं करवाया है। आज के दिन में भी फुटबॉल के स्टेडियम्स की हालत बुरी है। कब्जा कर लिया जाता है क्रिकेट के नाम पे उन स्टेडियम्स में। प्लेयर्स ट्रेन करने जाते हैं लेकिन पिच की स्थिति इतनी ख़राब रहती है कि उनको इंजरी हो जाती है। और इतना गंदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी जब हमारे प्लेयर्स निकल रहे हैं इस देश से फुटबॉल खेलने के लिए, अपना पूरा बचपन जो है वो लगा करके, अपनी जवानी लगा करके। AKG, salute to you, man. You are spitting, fam. He's speaking facts. So you didn't provide the... That's even the crazy part. The fact that you're giving the football team a restriction. They have to be top 8 or on goal. But you didn't even provide the right infrastructure for them to practice in. What? You didn't even provide the field for them to practice in. You didn't provide anything that will help them, and you still want to put restriction on the team? Oh, Pencho, what?